मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के संबंध में आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मुश्किलों में पड़ गए हैं, जिनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने दिग्विजय सिंह की निंदा करते हुए उनका पुतला दहन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। दिग्विजय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नपुंसक कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया और कहा कि दिग्विजय सिंह प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। समय समय पर वो अपने तरीके से प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। आज आप सबके माध्यम से मैं एक विषय रखना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उनके बारे में जो अपशब्द कहे गए ये हमारी संस्कृति में नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह जी आज भी नहीं सुधरेंगे तो अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी हमारी बस्तियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, करीब करीब 26,892 बस्तियों में हम उनका पुतला दहन, उनका विरोध और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उनको समाज के साथ पहुंचाने का काम करेंगे, या तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से माफी मांगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।